श्योपुर से इस वक्त बड़ी खबर है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को श्योपुर सीमा पर रोका गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को रोका गया। विजयपुर में गोलीबारी की जानकारी लेने जा रहे थे वीडी शर्मा। इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, विजयपुर में गोलीबारी की घटना की जानकारी लेने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जा रहे थे, उन्हें भी रोका गया। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़े हुए हैं। अनुराग, यहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को रोका गया है, विजयपुर की जो घटना हुई है उसकी जानकारी लेने के लिए वो वहां पर पहुंच रहे थे, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है इस मामले पर? पहले कि दोनों प्रदेश अध्यक्ष वहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे, दोनों जो है वो जाने की कोशिश जरूर कर रहे थे। शिवपुरी में वीडी शर्मा रुके हुए थे, जीतू पटवारी भी जो है वो शिवपुर प्रवेश कर रहे थे, तब उनको रोक लिया गया था। उसी समय जब खबर लगी तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी शिवपुरी से शिवपुर के लिए रवाना हुए। विजयपुर की तरफ से जो बॉर्डर है वहां से वो जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको जो है रोक लिया गया है। पहुरी के आगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को रोका गया है, उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक है। हालांकि जहां रोका गया है वो वहीं धरने पर बैठ गए हैं और लगातार नारेबाजी जारी है। तो जिला प्रशासन के लिए दो तरह की मुश्किलें होंगी, एक तरफ अंदर चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है, तनाव है, वो व्यवस्थाएं संभालना, और दूसरी तरफ से बड़े नेताओं का राजनीतिक दबाव और प्रवेश की कोशिश। तो निश्चित रूप से बड़ा एहतियात रखना होगा जिला प्रशासन को। फिलहाल जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए।